अगर स्वामी प्रसाद मौर्य एक दोहे को ठीक उच्चारण के साथ पढ़ दें, अच्छा, तो मेरी ओर से 21,000 रुपया उनको इनाम है, बस 10 दिन अभ्यास कर रहे हैं। पहले महंगाई पे सवाल करिए ना, महंगाई पे देखिए नहीं बोलेंगे, ये मुद्दों पे बोलेंगे नहीं, ये मुद्दों पे बोलेंगे नहीं। राम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी सद्बुद्धि दे कि ऐसे जो नेवले अपना मुंह कहीं भी खोल रहे हैं, इनके मुंह पर वो चेल लगाने का काम करें। पैतरे मत खेलिए, जो रामचरितमानस पर आपके अखिलेश यादव के मुंह पर एक चेल लग गई है, बोलिए। भगवान राम सीता जी हनुमान जी पर ही प्रश्न क्यों होता है, पैगंबर और मोहम्मद पर प्रश्न आज तक किसी ने क्यों नहीं पूछा। और फिरोजाबाद के ये जो नेता नगरी कर रहे हैं, जो भाजपा के लोग, इन लोगों को यही नहीं पता एस्टीमेट बनता है। बात हम शूद्र की कर रहे हैं ना, शूद्र की बात करिए। जो यहाँ शूद्र रह रहे हैं, जहाँ ओबीसी वर्ग के लोग रह रहे हैं, वहाँ कचरा डाला जा रहा है। आज वो गलियाँ टूट गई हैं, मैं दिखवा सकता हूँ कि कहाँ, क्योंकि कुरान में 25 आयतें मैं दिखा दूंगा जिनमें बोलने की हिम्मत हो, जिस नेता में हो, जिस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA के स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के फिलहाल राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, समाज में भी हलचल मची हुई है, कुछ संतों ने कुछ अजीब टिप्पणियां की हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी कहा, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आती हैं। तो ये सब कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, और उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देश भर से आ रही हैं, लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, उन लोगों ने रामचरितमानस की कुछ प्रतियां भी जलाई हैं। इन सब के पीछे क्या ये सब जो आंदोलन किए जा रहे हैं और ये जो बयानबाजी की जा रही है वो उचित है या अनुचित, ये तय करने के लिए आज हमने अपने पैनल में कुछ विद्वान लोगों को बुलाया है। हमारे साथ उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजकुमार यादव जी, हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राम स्नेहीलाल शर्मा यायावर जी, विद्वान हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वो एक विद्वान हैं जो कि हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो आज हमें रामचरितमानस के बारे में अच्छे से समझा पाएंगे, इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। साथ में हमने आमंत्रित किया है सत्ता पक्ष के से उदय प्रताप सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये लोग हमारे साथ आज उपस्थित हैं और अटल पार्क में हम आज का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले चूंकि आपकी पार्टी की तरफ से बयानबाजी आई है, तो क्या लगता है आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक अच्छे ओहदे पर हैं और सबसे बड़े पद पर हैं पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय महासचिव ये एक बहुत बड़ा और जिम्मेदारी का पद होता है, तो इस तरह का बयान देना क्या उनके लिए उचित था और क्या उन्होंने जो कहा है आपको लगता है कि वो सही कहा है, ऐसा होना चाहिए? देखिए उनका जो संदर्भ था कहने का, वो संदर्भ था ओबीसी और दलित जो भी समीकरण है उनको देखे कि आज उनको विकास के कार्यक्रम जो हैं उनको दूर रखा जा रहा है, उनकी बस्तियों में काम नहीं हो रहा है, उनकी तरफ काम नहीं हो पा रहे हैं, पिछड़े जो लोग हैं पिछड़ों की नौकरियां नहीं हो पा रही हैं, तो वो एक संदर्भ वो था। लेकिन संदर्भ किस तरीके से मीडिया के साथियों ने और किस तरीके से दूसरी पार्टी विपक्ष के लोगों ने, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन लोगों ने किस तरीके से बात को बढ़ाया है वो एक अलग चीज़ है। चलिए आपके पास लौट कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से उदय प्रताप सिंह जी हैं, उदय प्रताप सिंह जी से जानते हैं। उदय जी आपको क्या लगता है कि किस तरीके का ये प्रकरण है? देखिए साहब, ये केवल और केवल चर्चा और परचा में आने का प्रकरण है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सो कॉल्ड नेवला, जो कि उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में कहा था, तो ये केवल आप समाज में जाते नहीं, जनता के बीच जाते नहीं है, जनता की ज्वलंत समस्याओं को आप उठाते नहीं है, उनको समझते नहीं है, उसके बाद भी आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, केवल और केवल इसलिए मुंह में से कुछ भी बोल दीजिए और खास तौर से ऐसा बोल दीजिए, ऐसे धर्म के प्रति बोल दीजिए कि जिसके अनुयायी बहुसंख्यक होते हुए भी स्वयं को अल्पसंख्यक के समान मानते हैं, और वो इसीलिए नहीं
कि वो बहुसंख्यक हैं या अल्पसंख्यक हैं। वो इसलिए अपने को अल्पसंख्यक मानते हैं क्योंकि उनके सनातनी शिष्टाचार ने उनके हाथों को बांध रखा है, वरना जिस प्रकार का निकृष्ट बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है वोट बैंक की लालच के लिए, निश्चित तौर पर हर गली चौवारे पर इनका स्वागत तो पुष्पमालाओं के स्थान पर किसी अन्य वस्तु से होना चाहिए। जी चलिए आपकी चर्चा भी करेंगे, सबसे पहले एक क्विक रिव्यू आपसे भी जानते हैं। गुरुजी आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो बयान दिया है, मैं चौपाई उन्होंने रखी है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इस पर उन्होंने अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि ये जो शूद्र और नारियों के हित के लिए नहीं है, समाज के लिए हित के, समाज के हित के लिए नहीं है और इसका बहिष्कार होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर उन्होंने जो कहा है वो गलत है? तो गौरव जी, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जी, उसे पढ़ने का एक सलीका है जी, और उस सलीके से राजनीति के परिचित होंगे ये तो हम आशा नहीं कर सकते, और खास कर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं से जो कक्षा 5 पास है उनसे तो ये आशा नहीं कर सकते कि वो ये होंगे। देखिए महाकाव्य में कौन व्यक्ति बोल रहा है और कहाँ बोल रहा है इसका बहुत महत्व होता है। फिर जो व्यक्ति महाकाव्य के नायक और नायिका हैं, सतपात्र हैं, उनका चरित्र क्या है उससे निर्भर करता है। राम का मित्र निषाद राज है जी, इतना गहरा मित्र है कि जब भरत सेना लेकर जाते हैं तो वो खड़ा होकर कहता है जियतन सुर से उतरन नेऊ, क्योंकि उसे भय है कि भरत इसलिए जा रहे हैं कि राम को जाकर मार देंगे जंगल में और स्वतंत्र राज्य करेंगे जी। राम शबरी के आश्रम में जाते हैं जो जंगल में रहने वाली आदिवासी महिला है और उसके हाथ का भोजन करते हैं। लोक जीवन में तो ये कहा जाता है झूठा भोजन करते हैं, पर झूठा नहीं सही, तो भोजन तो करते हैं, उसके साथ भोजन करते हैं है? जामवंत जो गिद्ध है, गिद्ध मान गिद्ध नहीं है, गिद्ध नाम की एक मनुष्य जाति है, उसको अपनाते हैं, उसको अपना 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 उसका, और जो जटायु उसका दाह संस्कार अपने पिता के समान करते हैं। तो जिन राम का ये आचरण है उन राम के मुख से ये बात कही गई है क्या? नहीं, ये समुद्र ने कही है। और समुद्र का स्वभाव क्या, और समुद्र पानी का है, पानी का स्वभाव क्या होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है जी। मन की गति जलीय बताई गई है, मन ऊपर से नीचे की ओर जाता है, पतन की ओर बढ़ता है, बुराई की ओर बढ़ता है, इसलिए वो जलीय तत्व है तो वो तो अपनी बुराई कर रहा है। तीन दिन तक उसको प्रार्थना करते रहे, उसने सुना नहीं जी, जी, तो क्रोध आया। तो हम इस पर विस्तृत रूप से आपसे अभी जानकारी लेंगे, उससे पहले चलते हैं। आप उदय जी ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के कि वो उनको नेवला बता दिया है, तो आपको क्या लगता है ये उनका जो आरोप है वो सही? देखिए आरोप प्रत्यारोप तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुद्दा, जो मेन मुद्दे हैं विकास के मुद्दे, उनसे भटकाने का कार्य है। आज आप फिरोजाबाद में देखिए, अभी तक और पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अब तक चुनाव हो गए होते और प्रत्येक क्षेत्र में हमको मेयर और चेयरमैन और जो इनके जनप्रतिनिधि थे वो हम लोगों को मिल चुके होते। आज प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, ये सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है। सरकार अब तक क्यों नहीं चुनाव करा रही, ये चुनाव क्यों लेट कराए गए, इनका कारण है क्योंकि ये लोग चुनाव हार रहे थे। ये चीजें मेन मुद्दे से विकास से, जितने विकास हैं, कितना बड़ा विकास हुआ है फिरोजाबाद के जनता ने भी देखा है, फिरोजाबाद की गलियां जिनके टेंडर हुए, और फिरोजाबाद के ये जो नेता नगरी कर रहे हैं जो भाजपा के लोग, इन लोगों को यही नहीं पता है कि फिरोजाबाद की गलियों में कचड़े से भराव किया गया। कचड़े से कहीं भराव होता है क्या? लेकिन एस्टीमेट बनता है, बात हम शूद्र की कर रहे हैं ना, तो बात शूद्र की बात करिए, तो उसी शूद्र की हम बात कर रहे हैं कि जो लोग वहां निवास कर रहे हैं ना, आज जितने फिरोजाबाद के टॉप जो कॉलोनियां हैं, पॉश कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों का तो विकास मिट्टी से हो रहा है, वहां तो मिट्टी पहुंच रही है, और जो यहाँ शूद्र रह रहे हैं, जहाँ ओबीसी वर्ग के लोग रह रहे हैं, वहाँ कचड़ा डाला जा रहा है। आज वो गलियां टूट गई हैं, मैं दिखवा सकता हूँ कि कहाँ कचड़ा है। ये है मेन इनका विकास। देखिए अभी गुरुजी हमारे कह रहे थे कि गुरुजी ने हमसे, गुरुजी ने अभी सबके सामने कहा कि देखिए श्री राम जो भगवान थे, जो रामचरितमानस के उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए, ठीक है, जटायु जी का अंतिम संस्कार किया, ठीक है, ये हमारे जो पूर्वज थे उन पूर्वजों से हमें मिलता है और उनसे हमें सीखने को मिलता है कि समाज में निषाद राज थे, निषाद राज गुहा जी को हम साथ लेके चले और उनकी उन्हें वो भी हमारे साथ रहे,
श्री राम जी के साथ रहे, लेकिन आज क्या ये हो रहा है क्या? उस राम राज्य की तुलना क्या आज की इस सरकार से करेंगे क्या? आज इस तरीके के जो भेदभाव हो रहे हैं, ये भेदभाव कहाँ क्यों हो रहे हैं? आप आज गणेश नगर की गलियों में चले जाइए, आर्य नगर की गलियों में चले जाइए, और दुनिया भर के यहाँ जो हैं उनकी गलियों में चले जाइए, पक्का भराव मिट्टी से हो रहा है और दूसरों की गलियों में कचड़े से भराव हो रहा है। गलियां मैं दिखा सकता हूँ, बोलिए नेताजी से है चैलेंज स्वीकार? उदय जी चैलेंज दिया जा रहा है साहब, ये चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं है, वही मैंने आपसे क्या कहा था, काम धंधा कुछ है नहीं, चर्चा में आना है, प्रचार में आना है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने खुद की विधानसभा को जो व्यक्ति न बचा पाया हो, वो इस सदी के सबसे बड़े महाकाव्य जिसके एक एक प्रश्न की एक एक चौबाई एक एक छंद पर व्यक्ति के पूरे जीवन का सार निहित है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, बात करूंगा इनके चैलेंज की। इनकी आप इनसे पूछिए, म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन फिरोजाबाद यानी कि नगर निगम फिरोजाबाद में इनके समाजवादी धड़े को हमने काट दिया, इनका धड़ा तोड़कर भाजपा में शामिल करा दिया, ये सोते रहे, इन्हें विकास की सुध नहीं है। विकास की अगर बात करेंगे, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ आज से अगर 20 साल पहले की आप कल्पना कीजिए इस जगह की, यहाँ दिन में मर्डर हो जाते थे, लूट होती थी, छिनती होती थी, बलात्कार होते थे। आज वहां अटल पार्क है, सामने 100 सैया 200 सैया, सामने इमरजेंसी, बराबर में ट्रामा सेंटर, यही तो विकास है। जनता से जुड़े हुए हित के मुद्दे सरकार समझ रही है और उनपे काम कर रही है। रही बात जो इन्होंने एक बड़ा ही स्वप्निल आरोप लगाया, ये दिवा स्वप्न जिसको मैं कहूंगा कि दिन में सपने देख रहे हैं मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र, कि सूत्रों की गलियों का निर्माण कचरे से हो रहा है और गणेश नगर की गलियों का निर्माण मिट्टी के पक्के भराव से। इससे ज्यादा दिवा स्वप्न एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए बोलना मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ बोलना है। दूसरी बात, मैं स्वामी प्रसाद जी पे और एक शब्द और कहना चाहूंगा, मेरे पारिवारिक संस्कार हैं, मेरे सामाजिक शिष्टाचार हैं, इस नाते मैं उन शब्दों का चयन नहीं कर सकता हूं, श्रद्धेय गुरु जी खड़े हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के चुनाव से पूर्व अखिलेश यादव जी ने अपने पीछे पीठ पर थपकी मार के एक पट्टे को आगे बढ़ाया है कि आप जाओ समाज में विध्वंस भरी बातें कीजिए, समाज में उत्तेजना लाइए, ताकि हमें चुनाव से पूर्व एक प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे कि हम अति दलित पिछड़े और पिछड़ों की राजनीति कर सके। और कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। इस पर एक संत ने कहा है, अयोध्या के संत हैं, उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए का वो इनाम देंगे। देखिए ये उनका व्यक्तिगत मत है, मैं ऐसी किसी भी हिंसात्मक टिप्पणी का पक्षधर ना हूं ना हूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर यदि कोई हमारी संस्कृति को, हमारे अध्यात्म को, हमारे स्वाभिमान को बार बार ललकारेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। और मैं आपको कल की घटना के बारे में भी याद दिलाना चाहता हूं, जो रामचरितमानस को नियोजित रूप से जलाने की साजिश की गई है, इसके दुष्परिणाम स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं, अखिलेश यादव को नहीं, अपितु संपूर्ण समाजवादी पार्टी को आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीतकर इस स्वामी प्रसाद नेवले को इनके मार्ग में पहुंचाने का काम करने जा रही है। 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, 80 सीट तो अभी तक नहीं जीत पाई, आगे क्या जीतेंगे? देखिए एक राजनीतिक हसीन सपना है इनका, जी लेने दीजिए। पिछले 10 साल से ये सत्ता में है, लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं 2024 में जी। चुनाव आएंगे, मुद्दे बेरोजगार पूछेंगे कि हमें नौकरियां कहाँ मिली, कितनी नौकरियां मिली, फिरोजाबाद में देखेंगे गली गली चौराहे चौराहे पे बेरोजगार खड़ा है। आज इन्होंने बेरोजगारों को कटोरा थमाने का काम किया, जब बेरोजगारों ने सवाल किए तो बोले पकौड़े तली आप, क्या बेरोजगार पकौड़ा तलेगा क्या? आप जो 5-5 करोड़ के जो MBBS बन के आ रहे हैं, इतनी महंगी शिक्षा लेके आ रहे हैं, इंजीनियर बन के आ रहे हैं, इंजीनियर बहुत मेहनत से बनते हैं, 10-10, 15-15 लाख की डिग्रियां लेके आ रहे हैं, वो पकौड़े तलेंगे क्या भाई साहब? आप सोचिए ना, बेरोजगार, 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, माताएं बहने पूछेंगी सवाल कि 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, ये पैसा कहाँ से आएगा? किचन कितना महंगा हो गया, 80-90 रुपए किलो लीटर के हिसाब से पेट्रोल हो गया, 35 रुपए किलो आज आटा बिक रहा है। ध्यान भटकाने के लिए अगर बात करनी है तो भाजपा के नेताओं से करिए, इनका ये मुद्दे से अलग बात करेंगे, मुद्दे से इत्र बात करेंगे, हमारा देश मुद्दों से नहीं। महंगाई की बात पे आपके आएंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है, हम जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं हम उसकी बात करें, तो उस मुद्दे पर गुरु जी आपका क्या कहना है, क्या उस चौपाई का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? सबसे पहले मेरा कहना ये है भाई जी के ये तो पक्ष और विपक्ष का काम है राजनीति में कि एक दूसरे पर आरोप लगाएं और संघर्ष करें, संघर्ष का एक लोकतंत्र है जी। परंतु उसमें रामचरित मानस को घटीना ये महापाप है।
क्योंकि उस व्यक्ति ने घसीटा, उस व्यक्ति ने टिप्पणी की और उन व्यक्तियों ने जलाया जिन्होंने रामचरितमानस को एक भी बार पढ़ा नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य एक दोहे को ठीक उच्चारण के साथ पढ़ दें, अच्छा, तो मेरी ओर से 21,000 रुपया उनको इनाम है, बस 10 दिन अभ्यास कर ले। एक दोहे को ठीक उच्चारण के साथ पढ़ दें जी, एक दोहे और पूरे चौपाइयों को मिलाकर नहीं पढ़ सकते जी। जी, तो ये गुरु जी ने, डॉक्टर यायावर जी ने ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को चैलेंज किया है कि वो अगर एक भी उसको क्यों घसीट एक एक भी दोहे का अगर वो सही उच्चारण कर दें तो उनको 21,000 रुपए का इनाम इनकी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो राजनीति की बात है, राजनीति की बात अलग है। आपने अभी कहा कि मुद्दों की बात करिए, मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रही? समाजवादी पार्टी क्यों रामचरितमानस को, किसी धर्म धार्मिक ग्रंथ को या किसी समाज की विशेष जो हमारा पौराणिक ग्रंथ है उससे क्यों खिलवाड़ कर रही है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो देश है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में सभी को अपना राय और अपनी मशवरा रखने का कोई अपनी व्यक्तिगत आजादी है। लेकिन टारगेट सनातन धर्म ही क्यों होता है? देखिए, टारगेट मेरा मोहम्मद पर आज तक किसी का मन या इच्छा क्यों नहीं करी बोलने की जी। मैं गौरव जी एक बड़ा छोटा सा जी जी अवश्य अवश्य कड़क प्रश्न है कि भगवान राम सीता जी हनुमान जी पर ही प्रश्न क्यों होता है, पैगंबर मोहम्मद पर प्रश्न आज तक किसी ने क्यों नहीं पूछा? मैं इसमें पूरक प्रश्न जोड़ रहा हूँ उदय जी के में। जी जी, केरल में एक व्यक्ति ने, एक प्रोफेसर ने, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मोहम्मद साहब पर एक प्रश्न पूछ लिया था जी। खुले हम 5 गुंडों ने जीप में जाकर उसके हाथ काट दिए, खुले हम, और यूनिवर्सिटी ने यह कहा ये आपका व्यक्तिगत मामला है, कुछ नहीं होगा। मैं इस तरह की हिंसा का समर्थन कतई नहीं करता, परंतु टिप्पणी करके देखें, क्योंकि कुरान में 25 आयतें मैं दिखा दूंगा जिनमें बोलने की हिम्मत हो, जिस नेता में हो, जिस पार्टी के नेता में, मैं दिखाता हूं कि वो इस लायक है कि निकाल दी जानी चाहिए जी। आपको क्या लगता है कि अगर रामचरितमानस पर बात हुई है तो बात कुरान और बाइबल पर भी होनी चाहिए? देखिए, फिलहाल कुरान और बाइबल हमारा जो मेन ग्रंथ है, अगर लोकतंत्र का कोई ग्रंथ है तो वो ग्रंथ, उसको बोलते हैं हम संविधान जी, और संविधान इस देश को चलाने वाला वही मेन ग्रंथ है। और उसके संविधान पर बात करेंगे, और संविधान हम सबको बरकरार, सभी को बराबर अधिकार देता है, और उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए सभी को बरकरार विकास देना चाहिए, सबको बरकरार बराबर नौकरियां देनी चाहिए। ये भेदभाव वाली जो राजनीति है, ये भेदभाव वाली बातें जो हो रही हैं आज, उसी का कारण है कि ये लोग उस बात को मुद्दा बना के उछाले हुए हैं। उछालने दीजिए, लेकिन जनता को आज क्या चाहिए? विकास चाहिए, काम काम चाहिए, काम नहीं हो रहा है। अभी ये सौसैया गिना रहे थे, ये सौसैया किसने बना के दिया? नेताजी से जरा पूछिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बना के नहीं बना? ये ट्रामा सेंटर किसने दिया सरकार में? हमारी बना के नहीं बना? फिरोजाबाद नगर निगम किसने दिया? इन्हें पूछिए, जरा गिनवा रहे थे ये, इन्हें पूछिए, ये फिरोजाबाद नगर निगम किसने दिया? फिरोजाबाद को नगर निगम का जो दर्जा दिया था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया था। मीठा पानी सरकार इस फिरोजाबाद को किसने दिया? वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया। इन्होंने क्या दिया? हमने फिरोजाबाद की महिलाओं को, छात्राओं को स्वतंत्रता के साथ, स्वाभिमान के साथ रोड पर निकलने की आजादी दी है। हमने यहाँ के वैश्य वर्ग को इतना सामाजिक रूप से सुदृढ़ किया है कि वो अपने झोले को जब अपनी साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर टांग के जाता है, कोई छिनेता उसको छीनने की हिम्मत नहीं कर पाता। हमने लोगों को जीने का ढंग दिया है, लोगों के जीवन में विश्वास, उमंग और उत्साह दिया है। हमने धारा 370 को खत्म करके यहाँ के एक एक राष्ट्र विरोधी के मुंह पर करारा तमाचा दिया है। साहब, अगर विकास की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के इन विकास को मैं अब आपको खुलकर बता देता हूँ। आप कहते हैं आपने सौसैया बनाया, बिल्कुल सही बात है। जब प्रदेश में इनकी सैया सरकार थी, सौसैया अस्पताल का निर्माण हुआ, सफेद हाथी की तरह खड़ा रहा, 200 एसी लगी रही, प्रयोग में नहीं आया। नगर निगम का दर्जा नगर पालिका फिरोजाबाद को, मानता हूं समाजवादी पार्टी सरकार में मिला, लेकिन अच्छे यादव को 2014 में सांसद बनाने के लिए, यहां के नेताओं की तिजोरियां भरने के लिए एक बड़ी रकम, बड़ी मद यहां दी गई, जिसको पानी और तांस के पत्तों की तरह लुटाया गया। कह रहे हैं आप मीठा पानी, जेड़ा झाल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले
15% कंप्लीट था साहब, उसके बाद 85% काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और सुनते जाइए, उस 15% में भी इन लोगों ने जो काले पाइप में जो खेल किया था उसकी वजह से आज पूरा फिरोजाबाद की पाइपलाइन पंचर होती है साहब। विकास ये नहीं करते, ये केवल अपने लोगों की जेबें भरते हैं। मैं आपके आपके अपने पैनलिस्ट महंगाई 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 पर कह रहे थे, महंगाई की इन्होंने बात की, बेरोजगारी की बात की। देखिए साहब, अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी विधानसभा हार जाएंगे तो उन्हें कुछ काम तो करना ही है, तो कुछ नहीं है, शाम को अपना फोन उठाइए, महंगाई पे बात करें ना। ये मैं कर रहा हूँ ना, आपने पैगंबर मोहम्मद वाले महंगाई पे सवाल करिए ना, महंगाई पे देखिए नहीं बोलेंगे, ये मुद्दों पे बोलेंगे नहीं, ये मुद्दों पे बोलेंगे नहीं। रामचरितमानस के ऊपर हो रही थी, आप महंगाई को लाए, जब मैं पैगंबर मोहम्मद को लाया तो आप संविधान को बीच में लाए, तो राजनीतिक पैंतरे मत खेलिए। जो रामचरितमानस पर आपके अखिलेश यादव के मुंह पर एक चैन लग गई है, जाके बोलिए उन्हें, महंगाई पे बोलेंगे नहीं, महंगाई पे नहीं बोलेंगे। देखिए चुनाव महंगाई ठीक है, महंगाई अपनी जगह पर ठीक है, बेरोजगारी अपनी जगह पर ठीक है, विकास अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है रामचरितमानस। और रामचरितमानस पर क्यों प्रश्न नहीं हो रहा है, क्यों रामचरितमानस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों समाजवादी पार्टी जवाब नहीं दे रही है, ये जानना चाह रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने अभी वीडियो एक देखा है, एक संत समाज से एक महंत है, उन्होंने एक बात कही है कि उनका सिर काट के कलम करके लाने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये देखिए आतंकवादी भाषा है, ये आतंकवादी भाषा है, ठीक है। अगर कोई गलत है तो उसको, आज देश में संविधान है, देश में कोर्ट है और लॉ का यहाँ नियम है, तो लॉ के जरिए आप कोर्ट जा सकते हैं और उनको लेके जाइए। अगर कुछ गलत किसी ने कुछ कहा है तो उनको इनका है वो इन, ये लोग ये लोग लॉ में विश्वास नहीं करते, कानून में विश्वास ये नहीं रखते, इनका विश्वास है ही नहीं। ये कानून की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो क्या कानून तो सभी के लिए बराबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए साहब, ये विधिक विषय है, इस पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य लोग वो अपना स्टैंड लेंगे। मैं उस विषय पर नहीं आऊंगा, मैं केवल इस विषय में एक विषय जोड़ना चाहता हूँ। रामचरितमानस इतना हल्का, इतना कमजोर सनातनी लोगों का ग्रंथ है कि जो भी आए वो चांटा मार के चला जाएगा। पैगंबर जी का एक कार्टून बना दिया था, कुछ नहीं बोलेंगे, मैं आपको डेढ़ सौ देशों में उसके लिए आतंकवादियों ने प्लानिंग योजनाएं और फिरौती और सब कुछ हुआ था, ये कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताने चाहता हूँ, जो दो कुछ दिन पहले आदरणीय सांसद जी जो डिंपल यादव जी हैं उनके बारे में और उनकी बेटी के बारे में एक गलत व्यंग किया गया, और इनके जो बोलने वाले कौन, भाजपा की एक प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता, महिला होके महिला को जिस तरीके से इन्होंने, तो ये न तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, न किसी ओबीसी वर्ग का सम्मान करते हैं, इनकी तो मानसिकता और करनी और कथनी दोनों में ही फर्क है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, देखिए गुरुजी, महिलाओं की बात हुई, क्या जिस चौपाई के ऊपर ये बहस हो रही है उस चौपाई और उस रामचरितमानस में या उस प्रसंग में ये कहा जाता है कि वो महिलाओं का विरोध करती है या महिलाओं के विरोध में है? राम के पिता दशरथ के तीन रानियां नहीं थी जी, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 300 रानियां थी जी। राम ने अपनी माता कौशल्या की उपेक्षा देखी थी, इसलिए पहली प्रतिज्ञा उन्होंने ये की थी कि मैं सीता को पहले दिन ये आश्वासन दूंगा कि मैं एक पत्नी व्रत रहूंगा, सीता जैसा चरित्र दुनिया में कहीं भी किसी नारी का हो तो खड़ा करके दिखाएं। तो तुलसी जो रामचरितमानस में सीता का चरित्र खड़ा कर रहे हैं, और तुलसी सीता निर्वासन नहीं लिख रहे, सीता का निर्वासन रामचरितमानस में नहीं है, और सुलोचना के सती होने का उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है जी, तो फिर नारी की बुराई कहां कर रहे हैं? तो समुद्र कह रहा है, समुद्र की बात को उसकी व्याख्या जाएगी तो लंबी जाएगी क्या? अच्छा एक बात रावण ने कही है, रावण ने कहा नारी स्वभाव सत्य सब कहे ही, अवगुण आठ सदा उड़ रहे ही, भय अविवेक असोच अदाया, साहस अनर्थ चपलता माया जी। अब रावण के इस कथन को आप आदर्श मान लेंगे क्या? गुंडा कहता है कभी कभी कि भाई मैं किसी साले की बात नहीं मानता, तो आप और रामचरितमानस में राक्षस है रावण, राक्षस राज रावण है, तो इस तरह उस गुंडे की कही हुई बात को सिद्धांत थोड़ी मान लेंगे आप। राम के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा, सीता और भरत के द्वारा
अन्य किसी के द्वारा अगर किसी नारी का अपमान किया गया है तो वो अपमान का विषय है, और इस पंक्त की व्याख्या तो बहुत विस्तार से होगी, उतना समय आपके पास नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना मार गौरव जी, मेरे भी मन मन में एक विचार है, थोड़ा सा भैया का जवाब है जी। बड़ी उत्सुकता से आप कह रहे थे कि बीसी को पीछे शब्द देखिए, बात हो रही है राम, ये ला रहे बीसी एससी, इनके तीन चार शब्दों का जवाब एक शब्द में देता हूँ। इस देश की, इस भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, वो उस भील दलित समुदाय से है, आदिवासी समुदाय से है, जिस व्यक्ति के साथ आज तक इस इंडिया के किसी बड़े नेता ने भोजन करना पसंद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने उस आदिवासी परिवार की महिला, आपने कहा महिला का सम्मान नहीं करते, हम एससी से भी नीचे जाकर आदिवासी जिनको आज भी इंटरनेट का ज्ञान नहीं है, उन्होंने टीवी नहीं देखी, ऐसे क्षेत्र की महिला को हम देश की प्रथम व्यक्ति बनाते हैं। इससे अधिक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता अगर इनकी पार्टी में या देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये इनके समुचित सवालों के जवाब हैं। और इनके लिए मैं एक बात बोलूंगा, हम जब चीनी की बात करेंगे तो गन्ने की बात करेंगे, हम जब जूते की बात करेंगे तो ये ऑयल की बात करेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। ये अब तक केवल दलित बीसी एससी करके ही तो जीत रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की विकासशील सरकार ने समाप्त कर दिया, मुद्दे समाप्त, नेताओं की नेता नगरी खत्म। केवल अब क्या करना है, किसी भी अच्छे व्यक्ति के बारे में गलत बोल दो, मीडिया आपको दिखा। चलिए यायावर जी, आपने कहा कि समय नहीं है, और ये वाकई सच बात है कि इतना समय हमारे पास नहीं होगा कि उसकी हम व्याख्या सुन पाएं, लेकिन उसका एक भावार्थ हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे कि क्या भावार्थ है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी ये पता चले कि ये किस संदर्भ में कहा गया और इसका भावार्थ क्या है। रामचरितमानस जिन जिन सिद्धांतों पर आधारित है उनके प्रवर्तक स्वामी रामानंद थे जी, और स्वामी रामानंद ने हनुमान जी की आरती लिखी, आरती की जो हनुमान लला की जी, हनुमान जी आदिवासी थे और स्वामी रामानंद ने ही सबसे पहले ये कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिको भजे सो हरिको हुई। वही बात तुलसीदास ने अपने जीवन में अपनाई है और वही रामचरितमानस में उतर कर आई है। रामचरितमानस को टिप्पणियां करने से राजनीतिज्ञ अगर अलग रखें तो अच्छा है, ये करके वे पाप कर रहे हैं जी। क्योंकि संसार की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें रामचरितमानस का अनुवाद नहीं हो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नेता उसके बारे में गलत टिप्पणियां करते ही, रूस का साम्यवादी देश बिल्कुल के प्रोफेसर वारान्निकोव ने उसका अनुवाद किया है, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, और अंग्रेजी का जो अनुवाद करता है उसने तो छंद भी वही रखने की कोशिश की है जी, क्योंकि अज्ञान है उन्हें, हमारे नेताओं को, तो ईश्वर उनके अज्ञान के लिए उनको क्षमा करे, बस यही प्रार्थना कर सकता हूँ। चलिए कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए देश को आज विकास की जरूरत है, बेरोजगारी की, बेरोजगारी को खत्म करने की जरूरत है, ठीक है, और देश जो है हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र हमेशा संविधान से चलता है, और संविधान के दायरे में रहके जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है, भेदभाव वाला विकास हो रहा है। बात 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 रामचरितमानस की हो रही है, रामचरितमानस का आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए कि क्या उचित है या अनुचित है, इस पर बताइए। बात रामचरितमानस की हो रही है, वो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने देखिए उस जन्म में रामयुग था, वाकई एक रामयुग था, और सबरी के झूठे बेर खाए थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, और जटायु जी का उन्होंने, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा, जटायु जी का उन्होंने अंतिम संस्कार किया, ठीक है, निषाद राज जी उनके साथ थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज की परिस्थितियां कहाँ हैं, ये किसको साथ लेके चल रहे हैं, किसी को साथ लेके नहीं चल रहे, जितनी घटनाएं घटी हैं आज आप आंकड़े उठा के देखिए। तो बात उस समय की हो रही थी, बात उस समय की हो रही थी, उस समय ही रामचरितमानस लिखा गया, और उस समय की आपने कहा कि उस समय रामराज्य था, उस समय ये सब चीजें थी, तो फिर अब उसका विरोध क्यों किया जा रहा है आज की परिस्थितियों में, और उन परिस्थितियों में अंतर है आप मानते हैं, तो फिर आज विरोध क्यों हो रहा है। देखिए विरोध करने वाले ये लोग हैं, तो विरोध के ज्यादातर सवाल आप इन लोगों से पूछ सकते हैं, हम लोग तो देखो विकास की बातें, इन लोगों के जो विकास है उसके पोल खोल सकते हैं, हमसे पोल की बात करवाइए, ये इन्होंने कितना विकास करा वो हम बताएंगे, जगह जगह हम जाएंगे, मीडिया के साथ ही हैं आप चलिए हमारे साथ चल सकते हैं। उदय जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट केवल यह है कि परमपिता परमेश्वर स्वामी प्रसाद मोदी जी को सद्बुद्धि दे, उन्हें इतना ज्ञान और इतना विवेक और धैर्य दे कि मुंह में बोलने से पहले कि हमें क्या बोलना है एक बार वो विचार करें। निश्चित तौर पर रामचरितमानस इस देश का नहीं, इस विश्व की धरोहर है, वो जीवन के संस्कारों का एक ऐसा संगम है जो ना कहीं और मिल सकता है, ना कहीं और अब कोई लिख सकता है। तो केवल हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा कि परमपिता परमेश्वर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अगुवा
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी सद्बुद्धि दे कि ऐसे जो नेवले अपना मुंह कहीं भी खोल रहे हैं इनके मुंह पर वो चेल लगाने का काम करें, वरना जनता आने वाले 2024 के चुनाव में आपकी पार्टी के ऊपर चेल लगा जी। धन्यवाद। हाँ, मैं केवल यह प्रार्थना करता हूँ नेताओं से कि मानस जैसे पवित्र ग्रंथ को न घसीटें अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और मानस केवल धर्म ग्रंथ नहीं है। मैंने कहा ना कि संसार की सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है और अद्भुत ग्रंथ है। जिनको पढ़ने की इच्छा हो वो एक दो महीने मेरे पास आ जाएं, मैं उन्हें ग्रंथ पढ़ा दूंगा और उसका तत्वार्थ समझा दूंगा कि कहाँ क्या क्या है जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये जो चर्चा थी वो आपको पसंद आई होगी। इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के हमने यहाँ पर प्रतिनिधित्व, चूंकि सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके भी प्रतिनिधि हमने यहाँ पर बुलाए थे। हमने बुलाए थे समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधि, साथ में हमने एक विद्वान भी अपनी चर्चा में शामिल किया था, डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा यायावर जी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया।